पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मंजिलें और भी हैं। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या देश की सफलता की कहानी तभी लिखी जा सकती है जबकि वो साक्षरता के रास्ते से होकर गुजरे। देश सफलताओं के शिखर पर अपना परचम लहरा सके, इसके लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अथक प्रयासों से देश में समय समय पर अनेक साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए और आज भी चलाए जा रहे हैं, जिससे उन लोगों को साक्षर और जागरूक किया जा सके जो वर्षों से निरक्षरता की मार झेल रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए हमने कोशिश की उन लोगों तक पहुंचने की जो देश के दूर दराज के गांव में बैठे इन कार्यक्रमों का लाभ लेते हुए अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला पाए हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें कि ये निरक्षर उन जिलों से ताल्लुक रखते हैं जो आज भी साक्षरता दर में पिछड़े हुए हैं। 2001 के आंकड़ों के अनुसार 150 जिलों को पिछड़ी साक्षरता दर की श्रेणी में चयनित किया गया। हमने उन्हीं जिलों में भ्रमण करके साक्षरता के क्षेत्र में हुए बदलाव और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा देश के अलग अलग प्रांतों में किए गए प्रयासों से आए परिवर्तनों की कहानी आप तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं बिहार के एक ऐसे ही जिले कैमूर में, जहां 2001 में महिला साक्षरता दर मात्र 38.70% थी। लेकिन इसी जिले की ग्राम तोड़ी की रहने वाली नरगिस खातून ने साक्षरता कक्षाओं से जुड़कर सफलता की एक नई कहानी लिखी। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। कहते हैं जिंदगी सबको सब कुछ नहीं देती, मगर कुछ लोग अपनी कड़ी मेहनत और कड़े परिश्रम से अपना एक अलग मुकाम पा लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। मगर ये तभी मुमकिन है जब आप अपने हौसलों को कभी डिगने न दें। ये कहानी है एक ऐसी ही लड़की की जो एक गरीब परिवार में जन्मी और छोटे से गांव में पली बढ़ी। इस गांव को तोड़ी के नाम से जाना जाता है जो कैमूर की पहाड़ियों के बीचों बीच बसा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में ये छोटा सा गांव। इस गांव के पिछड़ेपन की मुख्य वजह रही इस गांव की अशिक्षा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जब कैमूर यानी भभुआ जिले में साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई तो इसके साथ ही तोड़ी गांव में साक्षरता कार्यक्रमों की पहल भी हुई। इन्हीं कार्यक्रमों में एक छोटी सी बच्ची ने भाग लिया जो उस वक्त मात्र 10 साल की थी। मुस्लिम वर्ग में जन्मी नरगिस पढ़ना तो चाहती थी, मगर गरीबी के कारण वो पढ़ती तो पढ़ती कैसे। धीरे धीरे वक्त गुजरा और उसने इन साक्षरता कक्षाओं में जाना जारी रखा और वहीं से पढ़कर स्कूल तक का सफर तय किया। मेरे ऊपर परिवार बहुत कड़ाई किए कि अब आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, हो गया, इतना पढ़ाई काफी है। लेकिन हमने अपने अब्बा अब्बा को खुद समझाएं कि सुनिए अब्बा, आप हमको सात पर्दा के अंदर रखिएगा, अगर हम चाह जाएंगे तो आप हमको नहीं बचा सकते हैं। अगर हम कितना समाज में जाएंगे, कितना लोग कुछ कहेंगे, हम सही रहेंगे तो दुनिया वाले कुछ नहीं करेंगे। तो अब्बा का हुआ कि चलिए, इतना तो हमको उत्साह बढ़ा ना कि आप ऐसा बात कर रही हैं। नरगिस आज 12वीं कक्षा में पढ़ने के साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा रही हैं। उसने गांव के उन लोगों को अपना लक्ष्य बनाया जो शिक्षा के महत्व से आज तक अनजान थे। वो मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने आज तक घर की दहलीज के बाहर की दुनिया तक नहीं देखी थी, वो महिलाएं जो अपने परिवार की तंगी के कारण शिक्षा के नाम पर शून्य ही रहीं। नरगिस ने गांव की इन्हीं महिलाओं को अपना उदाहरण देते हुए साक्षरता कक्षाओं तक लाने में कामयाबी हासिल कर ली। मैं घर घर जाकर के उन लोग को समझाई। पहले तो उन लोग का आदमी घर के सभी गार्जियन बोले थे कि नहीं जाना है, कौन सा अभियान निकला है कि जाएंगे। एक रोज तो ऐसा हुआ कि मेरे बाजू वाली शराब पी करके आया, उनका हस्बैंड यहाँ से पढ़ करके, अच्छा पिटाई किया उसका। क्या पिटाई किया, मैं जाकर के बोले कि भाई क्या गलत है पढ़ने में, कुछ नहीं जान रही है, पढ़ लेंगे तो आपको क्या तकलीफ है। आज उसका दिन है कि साक्षरता ही के दिन से वो आज स्कूल में आंगनबाड़ी में काम भी कर रही है। ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती रही और उसके बाद नरगिस ने उन्हें शिक्षित करने का जो प्रण लिया था उसे पूरा करने में जुट गई। इसमें उसका हर कदम पर साथ दिया उसके परिवार ने। वो यूं ही अपने सफर की तरफ बढ़ती गई।
जज्बा था कुछ करने का, उन लोगों को जागरूक बनाने का जो आज तक दो कदम अकेले नहीं चल सके थे। नरगिस ने अपनी छोटी सी उंगली उन लोगों की तरफ बढ़ाई जो आज तक किसी सहारे की तलाश में थे। नरगिस ने इन लोगों को पहले अपने छोटे से घर में पढ़ाना शुरू किया। जब लोगों की संख्या बढ़ने लगी तो घर के सामने ही खुली जगह में उसने कक्षाएं लगानी शुरू कर दी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और लोग साक्षर होते रहे। नरगिस ने प्रथम चरण में अपनी कड़ी मेहनत से गांव की 20 महिलाओं को साक्षर किया, पर उसका यह सफर यही नहीं थमा। जब जिले में पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई तो नरगिस उसमें सक्रिय रही और दिन रात एक करके उसने लोगों को इकट्ठा किया और कक्षाओं तक ले आई। वो गांव की निरक्षर महिलाओं के साथ दिन रात मेहनत करके अपने मकसद की तरफ बढ़ती रही और लगभग गांव की 30 महिलाओं को साक्षर कर दिखाया। मैं 50 लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। कितने लोग ससुराल चल गए इसी में पढ़ करके, ससुराल से खत भी भेजती हैं, क्या पढ़ करके तबीयत खुश होता है। मोहल्ले में भी लोग हैं कि मैं दुकान चला रही हूँ, नरगिस आप ही का देने कि मैं हिसाब किताब कर लेती हूँ। और सभी लोग हैं कि ससुराल में काम भी कर रही हैं तो नरगिस आप ही का देन है कि मेरा आंगनबाड़ी में काम लग गया, तो मेरा आप ही का देन है कि मैं मैट्रिक तक पहुँच गई। इसमें पढ़ करके लोग मध्यमास कुछ परीक्षा दे करके मैट्रिक का सर्टिफिकेट बनवा लिए, उसमें टीचर का भी काम लग गया कितने लोग को। इस बीच नरगिस के सामने न जाने कितनी ही मुश्किलें आईं। पिता बीमार, कमाई का कोई साधन नहीं। बड़े भाई ने वक्त के साथ घर से नजरें फेर ली और अपने परिवार के साथ दूसरी जगह आबाद हो गया। अब सारी जिम्मेदारी इस छोटी सी जान पर थी। न जाने कितने ही लोग उसके पढ़ने और पढ़ाने पर ही उंगली उठाने लगे, मगर हर बार हालात और दुनिया वालों से दो दो हाथ करते हुए उसने अपने सफर को जारी रखा। जहां इस कड़े वक्त में अपनों ने नजरें फेर ली, वहीं नरगिस ने अपने हौसलों को जुटाते हुए गांव के ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और अलग अलग वक्त में बच्चों को ट्यूशन देने लगी, जिससे घर का गुजारा चलना शुरू हुआ। इस सब के बावजूद उसने साक्षरता से अपना नाता नहीं तोड़ा और ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। कुछ बैंक में भी काम कर लेते हैं, रोज हमको 50 रुपया मिल जाता है, बच्चों का ट्यूशन भी कराती हूँ। अपना पढ़ाई के बारे में खुद अपने ही मेंटर नहीं करूंगी तो मैं कैसे पढ़ूंगी, माँ बाप गरीब हैं कैसे वो लोग करेंगे। उसकी इस कामयाबी का सबूत लोगों के जीवन में आए बदलाव से साफ दिखाई देता है। इसी तरह गांव की एक और महिला है जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण स्वयं करती है। पढ़ने लिखने के बाद इस महिला ने प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील बनाने के तौर पर रोजगार तो पाया ही, साथ ही गांव में ही एक छोटी सी दुकान का रोजगार भी कर लिया। 3 वर्ष ले नरगिस पढ़ाई शुरू करी, छछरता में पढ़े शुरू करी ने अपन बाल बच्चा घर है छोड़ छाड़ के अपन कुछ पढ़ ली तो हमारा कुछ इनिम काम दही, गरीबी के चलते कुछ पढ़ लेने तो पढ़ने के ऊपर हमारे फिर भी हमारे काम लग गए स्कूल में, तो अपन हम कर तो माने मन दो पैसा का अपन बात हुआ। आदमी तो हमारा सही नहीं हुआ, एकदम गरीबी हालत बाई घड़ी अपन अपने पैसा से अपन खर्चा चलाई ना। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें नरगिस ने अपनी मेहनत से इस लायक बना दिया कि जिससे वो 4 लोगों के बीच खड़े हो सकें, किसी के बहकावे में ना आकर अपने रास्ते खुद तय करें। ये गांव के लोग उसी जिले के हैं जो 2001 में किए गए सेंसस में साक्षरता दर में काफी पिछड़े हुए थे, मगर उसके बाद आज हालात बदलते नजर आ रहे हैं। ये सब मुमकिन हो पाया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के कारण और गांव-गांव तक उसे पहुंचाया जिला साक्षरता समिति के कर्मठ लोगों ने। इसके बाद इस आंदोलन में जरूरत थी नरगिस जैसा जज्बा रखने वाले कुछ लोगों की, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने के वास्ते बिना किसी लालच के दिलो जान से मेहनत की और इन कार्यक्रमों को गांव-गांव तक पहुंचाया। नरगिस उन्हीं में से एक है जो जी रही है अपने साथ साथ औरों के लिए भी, जगा रही है उन लोगों में वो जज्बा जो आज तक अपने हकों से महरूम थे। वजह सिर्फ एक थी, उनकी निरक्षरता। नरगिस तो चल रही है अपने मकसद की ओर, अब जरूरत है हम सबको ऐसे ही जज्बे की जिससे आने वाले वक्त में हमारा देश साक्षरता के मामले में शिखर पर खड़ा दिखाई दे। दोस्तों, ये वो लड़की थी जिसने अपने सपनों को तो जिंदा किया ही, इसके साथ ही न जाने कितने ही निरक्षरों की आंखों को भी ख्वाब दिए, वो भी इन्हीं साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से।
15 से 35 वर्ष के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने के लिए संपूर्ण साक्षरता से लेकर सतत शिक्षा जैसे अनगिनत कार्यक्रमों को शुरू किया गया, जिससे निरक्षर व्यक्तियों के जीवन में रोशनी लाई जा सके और ये रोशनी निरंतर बढ़ती नजर आ रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाते हैं और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा टीकमगढ़। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले की साक्षरता दर पर अगर हम गौर करें तो मालूम होगा कि 1951 के आंकड़ों के मुताबिक इस जिले की साक्षरता दर मात्र 3.57% थी और 1991 में 34.78%, जो 2001 में बढ़कर 55.80 हो चुकी थी। लेकिन महिलाओं की दशा यहां भी कुछ खास नहीं थी, मात्र 40.98%। लेकिन साक्षरता कार्यक्रमों ने कुछ ऐसे रंग बिखेरे जिससे मामौन गांव की महिलाएं साक्षर तो हुई ही, साथ ही अपने जीवन स्तर को भी सुधारने में सफल हुई। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये है टीकमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव मामौन। इस गांव की किस्मत भी बाकी गांवों से कुछ जुदा नहीं थी। यहाँ पर भी लोग अपना गुजारा मेहनत मजदूरी और खेती करके ही करते हैं। इन लोगों ने मजदूरी ही अपनी किस्मत मान ली थी। दिन भर खेतों में काम करना और थक हार कर शाम को सो जाना, जीवन में न कोई मकसद था न कोई लक्ष्य था, और इस सब का कारण था इनकी निरक्षरता। ये महिलाएं सपने तो देखती थीं और उन्हें पूरा करने के साथ साथ अपनी स्थिति को भी मजबूत करना चाहती थीं। मगर कैसे, शायद यही रास्ता इन्हें नहीं मालूम था और इन्हें दरकार थी एक ऐसी किरण की जो इनके जीवन में परिवर्तन ला सके। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू किया गया। इसकी शुरुआत हुई 1995 में साक्षरता कार्यक्रम से। साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत यहाँ पढ़ना बढ़ना कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। बाल किशन अहिरवार को प्रेरक का काम सौंपा गया और उन्होंने बहुत ही दिलचस्पी के साथ लोगों को पढ़ाना शुरू किया। गांव में पढ़ना वढ़ना आंदोलन चला तो हमारे प्राथमिक पाठशाला के प्रधान अध्यापक ने मुझे बताया कि तुम इस पढ़ना वढ़ना आंदोलन में मतलब गुरुजी बन जाओ। तो मैंने उस पढ़ना वढ़ना की समितियां बनाई। जो निरक्षर महिलाएं थीं उनको 20 महिलाओं के मैंने नाम लिखे और अपने प्राथमिक पाठशाला के प्रधान अध्यापक को दे दिए। इसके बाद मैंने उन महिलाओं की साक्षरता कक्षाएँ लगानी शुरू कर दी। इसमें सबसे बड़ा योगदान था जिला साक्षरता समिति के क्रियाशील सदस्यों का, जिन्होंने यहाँ पर जागरूकता का काम शुरू किया। जब गांव में पूरे जोश और खरोश के साथ साक्षरता कार्यक्रम शुरू हुआ तो गांव की एक दो महिलाओं ने साक्षरता कक्षाओं में आना प्रारंभ किया। एक दूसरे को देखते हुए महिलाओं में धीरे धीरे रुचि पैदा हुई और एक एक कर महिलाओं की तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन इसके बावजूद अभी मुश्किलें कम न थीं। जब गांव की महिलाएं साक्षर होने लगीं, तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि हम लोग अपना काम छोड़कर साक्षरता कक्षाओं में आती हैं, अब हम लोगों का कुछ तो फायदा होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कि जी जुड़ रहा है तो कछु अपना लाभ मिले, जुड़ो सब जने। जुड़न लगी, 7-8 दिन में मैं टांग लगन लगी, जिसके बाद एक एक रुपया ले आई बच्चा से, कई के लोग से बचा बचा के बड़ी मिलियन से एक एक रुपया जुआ चलो जुआत रहा जुआत जुआत। इसके बाद सब फिर समझ आई, फिर दो दो जुआन लगी, दो दो से फिर 5-5 जुड़ी। गांव की महिलाओं ने जब अच्छे से पढ़ना लिखना सीख लिया तो इन महिलाओं ने स्वयं ही एक दूसरे का चयन कर 10 लोगों का एक समूह बनाया। इसमें सभी वो महिलाएं थी जो आसानी से 500 रुपए प्रति माह जमा कर सकती हैं। सर्वसम्मति से मालती बाई को समूह का अध्यक्ष बनाया गया और समूह को नाम दिया गया बहन स्वयं सहायता समूह। इन्हीं 10 महिलाओं को अलग अलग पद दिए गए। सभी महिलाओं ने हिसाब किताब करना बहुत अच्छी तरह से सीख लिया। इसके लिए इन्हें किसी पर आश्रित रहना नहीं पड़ता था। समूह को चलाने के लिए कुछ मापदंड तय कर समूह को चलाना शुरू किया गया। शुरू से एक एक रुपया जुड़ा, फिर दूसरे महीना दो दो रुपया जुड़ा, ऐसे अब 50-50 जुड़न लगी। बैंक में खाता खोलो, बैंक में हमारे माने पैसा है 40-45 हजार,
खर्च कर रहे, लेन देन आपस में कर रहे। अब सबसे बड़ा परिवर्तन आया कि जिन महिलाओं ने कभी 2 रुपए भी नहीं जोड़े थे, उन्होंने अब समूह बनाने के बाद प्रति माह 500 रुपए जोड़ना शुरू कर दिया और देखते ही देखते इन लोगों ने 25,000 रुपए इकट्ठा कर लिए। अब बारी थी अपने सपनों को साकार करने की। ये महिलाएं अब कुछ करना चाहती थीं, जिससे ये मजदूरी न करके अपना काम स्वयं करें। फिर गुम्मा बनाने का काम शुरू करने का विचार बनाया गया। गुम्मा यानी ईंट, छोटा ईंट भट्टा शुरू कर काम की शुरुआत की गई। सभी महिलाओं ने जी जान से काम करना शुरू किया। इसी को देखते हुए बैंक ने बहन स्वयं सहायता समूह को 5,000 रुपए का ऋण दिया, जिसे जल्दी ही इन महिलाओं ने ब्याज सहित वापस कर दिया। दूसरी बार बैंक ने बहन स्वयं सहायता समूह को 25,000 रुपए का ऋण दिया। इन महिलाओं ने उस पैसे से काम को और आगे बढ़ाया। उस पैसे को भी इन लोगों ने सफलतापूर्वक वापस कर दिया। ईंट गुम्मा बनाने लगे और पकाऊ थे, नकड़िया खरीदा, कचरा खरीदा, कंडा कूड़ा खरीदा और अपने पके के और टीकमगढ़ में बेचा थे और पैसा में खर्च में ले और कछु बैंक में डाला। ईंटों के साथ साथ इन्होंने नर्सरी भी लगाई। छोटे पौधों की देखभाल ये महिलाएं बहुत ही सलीके से करती हैं और उन्हें अच्छे मुनाफे पर बेच देती हैं। ये सब देखकर गांव में एक लहर सी उठी और देखते ही देखते महिलाओं की संख्या दिन ब दिन साक्षरता कक्षाओं में बढ़ने लगी और हर महिला समूह बनाने को तत्पर रहती। आज पूरा गाँव साक्षरता की डगर पर चल पड़ा है। हर महिला अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है। ये लोग सारा श्रेय सरकार द्वारा चलाए गए साक्षरता कार्यक्रमों को देते हैं, जिसके चलते आज ये सभी अपने पैरों पर खड़े हैं। आज आलम ये है कि बहन स्वयं सहायता समूह की कामयाबी को देखकर गांव में ऐसे 8 समूह और चल रहे हैं। ऐसे न जाने कितने ही समूह हैं जो आज इस गांव में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं, जैसे सखी स्वयं सहायता समूह, मंत्री स्वयं सहायता समूह, लक्ष्मी समूह, जानकी समूह, रामदेवी समूह और सिद्ध बाबा समूह। आज इस गांव की महिलाओं के चेहरे की रौनक देखकर आसानी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके जीवन में जो परिवर्तन आया है वो इनकी मेहनत, इनकी लगन और दृढ़ संकल्प से आया है। आज हर घर की महिला जागरूक है, वो जानती है कि उसके अधिकार क्या है। जो सपने इन्होंने देखने बंद कर दिए थे, आज उन्हीं सपनों को पंख लगाकर इन्होंने उड़ना सीख लिया है। ये तो बस जमीन से पेड़ तक की उड़ान है, आसमान अभी छूना बाकी है। क्या बात है, मैं तो इन महिलाओं के साहस की कायल हो गई हूँ कि किस तरह इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया और उसमें सफलता पाई। इसमें इन लोगों की मेहनत और लगन तो थी ही, उसके साथ ही साक्षरता कक्षाओं का योगदान भी हम नहीं भुला सकते। साक्षरता ने ही इन महिलाओं को इतना जागरूक और आत्मविश्वास से भर दिया कि आज ये मजदूरी छोड़कर अपने खुद के काम पर निर्भर हैं। ऐसी ही एक लड़की जो गरीबी और निरक्षरता की मार झेलती हुई इन्हीं साक्षरता केंद्रों से साक्षर होकर अपने जीवन को एक अलग रूप दे चुकी है, पूजा सैनी, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की रहने वाली है। बिजनौर की महिला साक्षरता दर बाकी जिलों से कुछ ज्यादा जुदा नहीं थी। जहां 2001 में पुरुषों की साक्षरता दर 70.18 थी, वहीं महिला साक्षरता दर मात्र 47.28%। पूजा भी उसी पिछड़ी साक्षरता की शिकार होने के बावजूद उसने साक्षर होकर अपना नाम साक्षर लोगों की श्रेणी में लिखा लिया। पूजा ने ये सफर कैसे तय किया, हम आपको दिखाते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता। फर्क इतना है कि कुछ लोग जद्दोजहद आखिरी दम तक करते हैं और कुछ लोग बीच में सफर खत्म कर देते हैं और अपनी किस्मत मानकर थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिंदगी की लड़ाई आखिर तक लड़ते हैं और उस मकाम को हासिल कर ही लेते हैं जिसे वो पाना चाहते हैं। ऐसी ही एक लड़की पूजा सैनी, जिसने कोई गलती तो नहीं की मगर फिर भी उसने कीमत चुकाई। अगर साफ साफ अल्फाजों में कहें तो इस लड़की की गलती बस इतनी थी कि उसने गरीब परिवार में जन्म लिया, जिसके चलते वो अपने हिस्से में आने वाले हकों से महरूम रह गई। बड़ी ख्वाहिशों की तो बात ही क्या, शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरत पूरी नहीं हो सकी थी क्योंकि उसके आड़े उसके हालात थे, जिसने पूजा को कभी पढ़ने नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं बिजनौर जिले के एक छोटे से मोहल्ले की, जहां पूजा रहती है। ये मोहल्ला अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है।
पूजा, जो एक गरीब परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। जब उसने दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देखा, तब ये ख्वाहिश और बढ़ती चली गई कि काश मैं भी पढ़ पाती, मगर शायद ये आसान ना था। फिर घर पे ज्यादा काम था, फिर भाई बहन भी थे, फिर पापा भी इतनी गुंजाइश नहीं थी हम पढ़ सके, तो इसलिए मैं पापा के काम में हाथ बढ़ाने लगी, इसलिए नहीं पढ़ पाई। फिर मुझे बड़ी होके लगा कि मैं पढ़ूं, फिर इसलिए दीदी आई और मैं दीदी के साथ ही सेंटर में गई। क्योंकि परिवार बड़ा था और घर की माली हालत ठीक ना होने की वजह से घर में ही रहकर परिवार की कुछ मदद करने का मन बनाया और घर का सारा काम स्वयं करना शुरू किया। मगर कहीं ना कहीं अपने बचपन को मरते देखा था उसने। बचपन के सपने कहीं घर के बोझ के नीचे दफन कर दिए और परिवार की जीविका चलाने में अपनी हिस्सेदारी शुरू कर दी। उम्र ज्यादा न होने के बावजूद घर में माँ का हाथ बटाकर उसने सारे काम करने शुरू कर दिए। मगर वो जो करना चाहती थी वो अभी भी करना बाकी था। वो पढ़ना चाहती थी, उम्मीदों के पंख लगाकर ऊंची उड़ान उड़ना चाहती थी। एक दिन इस तरह किस्मत मेहरबान हो जाएगी, उसे इसका अंदाजा नहीं था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों के अंतर्गत बिजनौर में कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। पूजा के क्षेत्र में खुले नोडल केंद्र की प्रेरक विजय सचदेवा ने, जो साक्षरता से पिछले 2 दशकों से जुड़ी हैं, पूजा के घर आकर उसको साक्षरता कक्षाओं में आने को प्रेरित किया। इन लाभार्थियों को अपने सेंटर तक लाने के लिए मैंने बहुत अथक प्रयास किया। मेरी सह नोडल प्रेरक श्रीमती मीरा शर्मा जी भी मेरे साथ रहीं। इनको घर से अपने केंद्र तक लाने के लिए बहुत कुछ समझाना पड़ा कि जैसे ये लोग जो हैं अपने काम को सही रूप से कर सकें, सब लोग पढ़ लिख जाएं, समझ बूझ कर निर्णय ले सकें। पूजा के माता पिता को समझा कर पूजा को साक्षरता कक्षाओं में आने को राजी कर लिया। अब क्या था, पूजा ने जो सपने बहुत पहले बुनने बंद कर दिए थे, उन सपनों को उसने एक बार फिर पॉलिश कर उन्हें पूरा करने का मन ठान लिया। पूजा ने निरंतर कक्षाओं में आना जारी रखा। घर के सारे काम निपटाकर समय से कक्षा में पहुंचना उसने अपना नियम बना लिया। देखते ही देखते उसने पढ़ना लिखना सीख लिया। साक्षरता कक्षाओं में वो सबसे आगे रहती। इसमें सबसे ज्यादा योगदान नोडल प्रेरक विजय सचदेवा का रहा, जो एक स्कूल का संचालन भी करती हैं और स्कूल के बाद इन कक्षाओं को चलाती हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के दौरान मैंने गली वहाँ जाकर गलियों उन गंदी बस्तियों में जाकर उन मलिन बस्तियों में जाकर उन लोगों की सेवा की जो कहीं जा नहीं सकते थे, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे, उन महिलाओं को मैंने पढ़ाने का सपना देखा और उन्हें पढ़ाया। साक्षरता कक्षाओं में अब एक और पहल की गई, जिससे लाभार्थियों की साक्षरता के प्रति और रुचि बढ़े। साक्षरता कक्षाओं में अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देने शुरू किए गए, जिसमें लड़कियों और महिलाओं ने और रुचि लेनी शुरू की। इन साक्षरता कक्षाओं में सभी लाभार्थियों ने सिलाई कटाई, बुनाई, मेहंदी और चार्ट बनाने जैसे प्रशिक्षण लेने की शुरुआत की। पूजा भी पीछे नहीं रही और उसने पढ़ने के साथ साथ चार्ट बनाना यहीं से सीखा। उसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि घर में चार्ट बनाने का छोटा सा काम था जिससे घर का गुजारा चलता था। पूजा ने उसी काम को आगे बढ़ाते हुए गोलगप्पे बनाना शुरू कर दिए, तरह तरह की चटनी बनाना शुरू की, जिससे उसके पिता की आमदनी में इजाफा हुआ और परिवार की कुछ मुश्किलें कम हुई। पूजा ने अपनी शिक्षा को जारी रखा। उसने कभी साक्षरता कक्षाओं में अपनी उपस्थिति कम नहीं की। इसका असर आज ये हुआ कि पूजा 5वीं कक्षा की तैयारी कर रही है। घर में खाली वक्त में पूजा ने अपनी जिंदगी का हिस्सा अपनी इन्हीं किताबों को बना लिया है। घर में पूजा को पढ़ते देखकर आज उसके माता पिता भी उसके साथ बैठकर सीखते हैं। आज पूजा अपने हाथ से अपने माता पिता को लिखना सिखा रही है। उसकी इस कामयाबी की खुशी उसके चेहरे पर तो दिखाई देती है, उसके माता पिता के चेहरे की रौनक भी वो बखूबी बयां करती है। अखबार भी पढ़ लेती हूँ, टीवी वगैरह तो मैं नहीं पढ़ लेती हूँ, जहाँ जाना है तो वहाँ भी पढ़ लेती हूँ मैं। और मैं अपने भाई बहन को भी पढ़ाती हूँ घर पे, और मैं तो नहीं पढ़ पाई बचपन में, लेकिन उन्हें जरूर कोशिश करेंगे पढ़ाने। इनके यहाँ ये लोग जो है घर के कामों से इनसे फुर्सत नहीं मिलती है, स्कूल में नहीं जा पाते थे, लेकिन इस समय जो है यहाँ आकर जो है शाम की क्लासेस होने के कारण ये यहाँ थोड़ा अपने लिए समय निकाल पाते हैं। यहाँ इन्होंने सीख कर ये प्रयास किया कि हम भी जो है आगे बढ़ें और पढ़ें। पूजा उस समाज से ताल्लुक रखती है जहाँ शिक्षा के प्रति रुचि ना के बराबर होती है,
मगर पूजा ने उसे गलत साबित कर दिखाया। वो सिर्फ पढ़ ही नहीं रही बल्कि खुद को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लायक भी बना रही है। आज इन साक्षरता कक्षाओं के सहारे पूजा जैसे ना जाने कितने ही लाभार्थी अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज में सिर ऊंचा करके चलने लायक तो बन ही रहे हैं, उसके साथ अपनी निरक्षरता को भी दूर कर रहे हैं। ये सफर यूं ही जारी है और ऐसे ही अशिक्षित जो किसी न किसी कारण से निरक्षर रह गए हैं आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा रहे हैं। अगर ये सफर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश के हर गांव देहात का छोटा बड़ा गरीब लाचार साक्षर होगा और देश साक्षरता के शिखर पर होगा। बस अब जरूरत है ऐसे ही कार्यक्रमों की। पूजा ने तो अपने जीवन को वाकई बदल कर रख दिया है। इन साक्षरता कक्षाओं के सहारे पूजा जैसे न जाने कितने ही निरक्षर अपने जीवन को संवार रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बस इतना ही है कि देश पूर्ण साक्षर हो, देश की हर महिला और पुरुष जागरूक हो, जिससे कि वो अपने अधिकारों को जान सकें। इन कार्यक्रमों से जुड़कर आप भी अपने जीवन को बेहतरी से गुजारने का सपना देख सकते हैं। बस जरूरत है आपको साक्षरता कक्षाओं तक अपने आप को लाने की। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम से जरूर सीख ली होगी। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपको फिर लेकर चलेंगे देश के दूर दराज के हिस्सों में, जहां न जाने कितने ही निरक्षर अपने जीवन को एक नई दिशा देने में लगे हुए हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें